शिव सरजू या राम सदा देवा संपदा। तो नारियल वारियल भी फोड़ दिया बहन, आज के आज से आपके लिए देवता, इसको इसको प्रणाम करो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज गए 7:45 और आज फिर से तुम्हारी रोहित पाड़ी थोड़ा लेट मोड है। और आज ना सूरज बजाने अचानक से इतनी जल्दी क्यों आ गया, अभी तो पिछले 4-5 दिन से ना सूरज देखने को मिल ही नहीं रहा था, बारिश ही बारिश चल रही थी। आज मतलब सुबह सुबह 7:30 बजे इतनी तकड़ी वाली धूप आ गई, मैं आपको क्या बताऊँ। और आज ना भाई सच में आपकी रोहित पहाड़ी ना बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आज आपकी रोहित पहाड़ी की बाइक की डिलीवरी को ना भैया 1-2 दिन कंप्लीट हो चुका है। कल ना हमारी बाइक की पूजा हो नहीं पाई थी, क्योंकि पंडित जी ने बोल दिया था कि यार आज के दिन नहीं करेंगे पूजा, कल करेंगे, क्योंकि कल शुक्रवार है। उसके हिसाब से ना आपका विश्वकर्मा की पूजा भी साथ साथ रहेगी, क्योंकि बट कोई नहीं, फाइनली आज पंडित जी आ रहे हैं और आज बाइक की ना जो पूजा वूजा है, नारियल फोड़ना, वो सब कुछ हो जाएगा। तो भैया जी कैसे हैं आप लोग, शानदार तो दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। और आज देखो भैया सुबह सुबह कितनी कड़क धूप आ गई है यार, मत पूछो आप। देखो अभी ना आपका 8 बज गया और पंडित जी भी आए नहीं हैं, अभी घर में झाड़ू पूजा चल रहा है सब कुछ बढ़िया तरीके से, क्योंकि मम्मी लोग तो पापा लोग तो खेत गए हुए, तो मैं तो पंडित जी के इंतजार में घर में ही, क्योंकि मैं भी अगर कहीं निकल जाऊंगा ना तो फिर पंडित जी आएंगे तो पूजा किसकी करेंगे, किसी गाड़ी की करेंगे। जिस दिन बाइक की डिलीवरी थी उस दिन दीपक आया था कौसानी से और काफ़ी लेट हो गया दीपक को, बट मैं दीपक को अपने घर लेके आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। नींद आई नहीं है बढ़िया वाली शानदार? दो बजे तो सोया हूँ, क्या मुझे नींद आती है। कौसानी वालों को कौसानी में इतना ठंडा लगता है, यहाँ कितना गर्म होता है ना। यहाँ तो सही हो रहा था, सही हो रहा था, बिना पंखे की नींद आ गई बढ़िया। क्योंकि पता है मुझे ना पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है और पहाड़ में ना मुझे कंबल ओढ़ के सोना पसंद है, तो यहाँ तो ना भाई यार गर्मी वर्मी मौसम था, तो मुझे लगता है काम करते हैं हम दोनों अपनी अपनी एडिटिंग में लगे हुए हैं। जब तक पंडित जी नहीं आएंगे तब तक हम अपनी एडिटिंग कर लेंगे और फिर पंडित जी आएंगे तो फिर गाड़ी की पूजा वूजा करनी है और एक नए अवतार में आपको देखेंगे आपके रोहित और पहाड़ी आज। तो भैया जी ये है अपनी गाड़ी जिसकी ना आज पूजा वूजा सब कुछ होनी, फिलहाल ना मैंने इसको घर के अंदर रखा हुआ है, अभी थोड़ी देर में इसको मैं घर के बाहर कर दूंगा। मैं ना अपनी एडिटिंग में लगा रह गया, तब तक ना पंडित जी भी आ गए, अब मैं जाके फटाफट से नहा लेता हूँ। और आज ना पंडित जी ने भी मेरे को धोती होती भी पहनानी है, क्योंकि वो कह रहे थे अपनी संस्कृति को भी नहीं छोड़ना है। तो भैया जी अपने नहा लिया, तो भैया जी पंडित जी ने ना मुझे धोती होती पहना दी है पूजा के लिए, पूरा रेडी कर दिया है। और मुझे ना ये धोती पहननी नहीं आती, बाकी कुछ दिन लगातार अगर पहनूंगा ना धोती मैं तो धोती पहनना भी सीख जाऊँगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलो पूजा के लिए फिलहाल रेडी हो चुका हूँ, अब करते हैं पूजा की तैयारियाँ शुरू। ना मैंने गाड़ी वाड़ी को बाहर से लगा के रख दिया है और पंडित जी ने बोला कि भैया गाड़ी का जो मुँह है ना वो आपका पूरब की तरफ होना चाहिए, तो गाड़ी को मैंने पूरब की तरफ खड़ा कर दिया। अभी तो इसका नामकरण भी नहीं हुआ है यार ढंग से, कि इसका क्या नाम रखना है अभी कुछ सोचा भी नहीं है। और मैंने अपनी बाकी घर की सारी गाड़ियों को ना मैंने साइड में खड़ा कर दिया उधर। वाम सदा देवा संपदाम सपत्न्या। सोमं स्वस्ति भुवनस्य श्रीदेवाी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि सूर्य शास्त्रांशु तेजुरा सन्नौ देवी रविष्टापु यशस्वती बृहस्पति सर्वगुण स्वस्ति आदित्यासु भवन्तु नो विश्वे देवा स्वस्ति वैश्वा। तो नारियल वारियल भी फोड़ दिया है बढ़िया तरीके से, पूरी पूजा पाठ हो गई है लगभग लगभग। हर महादेव। अब आरती करते हैं। मैं सिनेमा परिक्रमा करो आरती करो। यानी कहानी के पापा निजर्मान कर के कहानी से होता नहीं, कहानी विंचिश्य और प्रदक्षिणी पदी पदी पापो हम पाप परमा पापात्मा पाप मोत्राय माम पुनरीकाक्ष सर्व पाप हरु भवः। कितनी परिक्रमा करनी होगी? 3 तो 3 कर दो। आज से आपके लिए देवता, इसको देवता की तरफ पूछना है, सारे देवता आपकी रोजी रोटी आपका देवता, इसलिए इसको प्रणाम करो, रोज सुबह इसको प्रणाम करना। बैठो इसमें, स्टार्ट करना है खाली, जब मैं कहूँगा तब आगे बढ़ाना। अच्छा अब नींबू दबाना है? हाँ स्टार्ट करके छोड़ रहे, नींबू लगा देना टायर के नीचे। अब है प्रक्रिया नींबू दबाने की। ऑन करो।
जी महान, बधाई हो आपको बहुत बहुत नूतन महान की। अरे नींबू भी हमने पिचका दिया पंडित जी कहने पे। नूतन महान की बहुत बहुत बधाई हो। तो भैया नींबू वीबू पिचका के इसकी पूरी पूजा पाठ कर ली और मम्मी सारा लोटा वोटा आरती की जो भी चीज़ें हैं वो सब अंदर जा रही हैं। तो मतलब नई गाड़ी की जैसे जिस तरीके से पूरी विधि संस्करण जैसे होते हैं ना, रीति रिवाज बिल्कुल वैसे ही हमने इसकी पूजा कर ली है। और पंडित जी ने बोला कि भैया आज से ना ये जो बाइक है ना भाई, ये RC 200 है, RC 200 नहीं है, आज से देवता है, इसकी रोज़ पूजा करनी है, समझ रहे हैं। तो आप भी ऐसे करो, जब नई गाड़ी लेते हो तो पंडित जी ने बोल दिया कि देवता है, तो भी देवता है, और जिस देवता से एक नया देवता आएगा बहुत जल्दी, बड़ा हैवी वाला, उस देवता का नाम होगा BMW देवता 1250। फिलहाल ये RC 200 भी हमारी देवता बन गई है, इसके बाद BMW नाम से भी हमारी जो आएगी वो भी हमारी देवता बन जाएगी, ठीक है भैया। तो भाई जी फाइनली सारे काम हो गए, पूजा पाठ के काम हो गए। पंडित जी ने बोला है भैया अपनी इस बाइक को ना, जो पहले जाके ना आपके जो निकटतम मंदिर है ना, आपको अपने पास में जो मंदिर है वहाँ जाना है, एक देवी के मंदिर में और एक महादेव के मंदिर में जाके इनके नाम की बतासे चढ़ा के आने हैं मुझे। तो चलो भैया अभी अपना देखो कैसा लग रहा है, गैराज लग रहा है पूरा, तीन गाड़ी खड़ी हो गई है, इसके बाद यहाँ पर टेनार खड़ी होगी, BMW खड़ी होगी। ये काम करते हैं, चलते हैं मैया के मंदिर और महादेव के मंदिर, पूजा वूजा करके उनको भी बधाई दे के आते हैं और मुँह मीठा करा के आते हैं मैया और महादेव का भी। मैंने चाय बना दी है सबके लिए, चाय वाय पीते हैं बढ़िया तरीके से। तू भी चलेगी मंदिर? मैं कहीं मांगूंगी, मुझसे बैठा नहीं जाएगा इसमें। इसमें नहीं बैठ पाएगी? तो देखो सूट पहनना पड़ेगा फिर अभी। तो भी चल वरना सूट पहन के मंदिर जाएंगे, तैयारी है। तो मम्मी ना आपका जाएगी पल्सर से बैठ के जाएगी, मम्मी ना आपका वाली गाड़ी में चढ़ नहीं पाती है, जाएगी पल्सर से और हम जाएंगे भैया RC 200 से और RC 220 की सवारी शुरू हो गई हमारी और हम जा रहे हैं सबसे पहले भैया आपका मंदिर की तरफ। और सबसे पहले हम जाएंगे अपना गौरजा माता के मंदिर, जो हमारे गाँव का नाम जिनके नाम पर पड़ा है ना, कमोला और धमोला। और पता ये मंदिर मतलब ये ऐसा मंदिर है पूरे हमारे उत्तराखंड में, कहीं भी जागर होती ना तो कमोला धमोला की चाल कहते हैं ना, तो वो यही है, वो यही मैया है, पूरे उत्तराखंड की जागर में यहाँ की मैया का नाम आता है और यहाँ की मैया के ऊपर ना मैं बहुत जल्दी ब्लॉग बनाऊंगा। फिलहाल आपको देखे चलता हूँ गौरजा माता के मंदिर की तरफ। गौरजा माता का मंदिर और मम्मी ना अंदर चली गई है। श्री राम। तो भैया ये है गौरजा माता का मंदिर, जय माता दी। पूजा पूजा सब कुछ हो गई, मम्मी ने एक भैरव बाबा की चुन्नी और एक मैया की चुन्नी दे दी है, बोला कि इसे गाड़ी में बात देना है, गाड़ी मैया के मंदिर में पूजा कर ली, अब हम जा रहे हैं महादेव के मंदिर में। तो भैया हम पूजा वूजा करके आ गए और यहाँ पर हमको हमारी अम्मा भी मिल गई, ये इनका खेत है यहाँ पे। तो अम्मा बोल रही गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही, कैसी लगी गाड़ी? बहुत बढ़िया, बढ़िया शानदार। तो घूमने चलोगे इसमें? हाँ चलूंगी, क्यों नहीं। तो ठीक है। तो भैया हम आपका देव मंदिर से शिव मंदिर की तरफ आ गए और शिव मंदिर में ना हमारे काम चल रहा है, तो बहुत सारा मतलब इसका रिनोवेशन चल रहा है, अब एक दिन ना आपको मैं यहाँ भी दिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल तो पूजा कर लेते हैं महादेव की। तो भैया आपका शिव मंदिर में पूजा हो गई है, अब हम जा रहे हैं भैया अपने कुल इष्ट के मंदिर, आपका रामा शिकारी देवता के मंदिर जैसे गोल। तो भैया चलो आप निकलते हैं आपका रामा शिकारी मंदिर की तरफ। तो भैया जी जैसा मैं आपको बता रहा था ना, रामा शिकारी देवता को हमारे कुलिष्ट बोलते हैं, गोलजी देवता बोलते हैं। तो उनका जो मूर्ति होती है ना, इस तरह से घोड़े में बैठ के वो घूमते हैं पूरे गांव का, क्या पूरे संसार का भ्रमण करते हैं मतलब। तो भैया पूजा पूजा तो हमारी होगी, लेकिन हमारी मम्मी ना देखो गांव की महिलाओं से मिलती है ना, फिर गप्पों में रह जाती है। अब मम्मी को मैंने दो चार बार कह दिया चलो 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 चलो, क्योंकि इस भाई को ना रामनगर भी छोड़ना है। मेरे फोन में 3% बैटरी है, फोन भी तो चार्ज करना है। हैं 3% बैटरी है, 1% कौसानी भी जाना है, रामनगर भी जाना है, और मम्मी ना मम्मी की गप्पे खत्म नहीं हुई। मम्मी चले आ जाओ, महाभारत कल करेंगे। पूजा पाठ करके सारे मंदिरों से घर पहुंच गए, अब हमें धोती होती खोल के अपनी लोअर में आ जाते हैं, फिर उसका चलते हैं रामनगर अपने दीपक को छोड़ने। कैसा है ना अभी आपको दीपक को ना मुझे रामनगर छोड़ने आना, तो पहले दीपक को फटाफट भोजन कराते हैं, हम सब लोग मिलके भोजन करते हैं और फिर चलते हैं भैया रामनगर की तरफ। और दाल चावल कैसा हो रहा है? जबरदस्त शानदार। तो भाई जी ऐसा है अब दीपक को छोड़ के आते हैं रामनगर, के दीपक का घर रामनगर है, फिर रामनगर से दीपक कौसानी के लिए निकल जाएगा, तो गाड़ी दीपक ही ड्राइव करने वाला है। ठीक है भाई चलो भाई। तो चलो यार निकलते हैं जय श्री राम करते हुए। तो यार यहाँ से पड़ता है रामनगर अपने को 20-22 किलोमीटर, तो 10-15 मिनट का रास्ता है मेरा यहाँ से, और ज़्यादा मैं मोटो ब्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि रोहित भाई को वापस भी आना है। 5 का
यार मैं रामनगर आया और मेरे भी अब सब्सक्राइबर सौरभ जैसे की तरह थोड़े छोटे छोटे होने लग गए तो अच्छा लगता है। सौरभ भाई थैंक यू तुमसे मिलने के बाद, देखो इतने बच्चे मुझे जानते हैं। और भाई ने मेरा हैबुस वाला ब्लॉग देखा, क्या नाम है तुम्हारा? सचिन। सचिन तेंदुलकर नहीं है बल्कि सचिन है भाई का नाम। और हम यहाँ भाई आए थे भाई को छोड़ने के लिए, मुलाकात हो गई। हाय गाइस बोल दो उनको। चलिए ऐसा है, मैं आपका रामनगर पहुँच गया हूँ और रामनगर में यहाँ मैंने आपका दीपक को छोड़ने आया हूँ और दीपक का भाई दीपक को लेने भी आ गया। तो रामनगर आओ और भाई के मोमो ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस भाई को देख लो आप, जब मैं पहली बार लद्दाख गया था ना तो उस टाइम भी भाई के यहाँ पर मोमो खाए थे, जब रिटर्न आया था पूरे लद्दाख से आपका रामनगर हल्द्वानी। तो आज भाई को छोड़ने आया हो तो भैया मोमो तो बनते हैं मेरी जान। भैया हम पहुँच गए घर की तरफ। ओह तुमने अभी देखी गाड़ी है? तो भैया हम पहुंच गए अपने घर और घर में मम्मी ने पूरा कारोबार फैला दिया। देखो पता नहीं गेहूँ क्या साफ कर रही है मम्मी। गाड़ी कहाँ लगाऊंगा मैं? तो देखो भी हमारे घर में मेहमान आए हैं। क्या है, लाओ मिठाई दो, बाइक की मिठाई दो, बाइक की मिठाई दो, ये खिलाओ। क्या होता है कभी कोई मेहमान मिठाई लेके भी तो आना चाहिए। मैं बाइक को लाए 2 दिन हो गए और बाइक का ब्लॉग अभी तक भी नहीं आया। हाँ भाई अपना भाई तुम्हारे पहाड़ी के पास दो दो बाइकें खड़ी हैं, मिठाई खिलाएंगे। कम ऑन। तो भाई देखो ऐसे शिकायतें आ रही मिठाई की कि हमने मिठाई नहीं खाई है घर पर। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो भैया ऐसा ना, मम्मी को जब गेहूँ साफ कर रहा होता ना तो ऐसे पंखा लगा के ना पूरा गेहूँ साफ किया जाता है। तो भैया फाइनली सारे काम कर दिए, भाई को छोड़ कर भी आ गया और चाची को मिठाई वठाई भी खिला दी। अब भैया मम्मी कर रही गेहूँ साफ। ये गेहूँ आज पिसाना है कल? अभी पिसाना है। आज